अब भौकाली में तो विश्वास रखते नहीं हम शुक्ला जी, जो है उसी में संतुष्ट है। अरे हमारा तो सौभाग्य है पांडे जी, जो हमें आप जैसा घर मिला है। अजी सौभाग्य तो हमारा है शुक्ला जी, क्यों भाभी जी? भाई बेटी मिल रही है आपके आंगन को। लीजिए ना, प्याली ने बनाया है। लीजिए ना, ये सब प्याली ने बनाया है अपने हाथों से, वो भी असली घी का है। एक लड़की में जो जो गुण होने चाहिए वो सब है हमारी प्याली में, खाना पकाना, कढ़ाई बुनाई। अरे होने वाले संबंधी जी, आजकल सिलाई कढ़ाई खाना बनाना कहाँ चलता है? आजकल तो लड़कियां दफ्तर में काम करती हैं। पर हमारी बहू को दफ्तर जाने की तो नौबत ही ना आएगी। हमारा राकेश इतने चौकस दफ्तर में नौकरी जो करता है, सिक्योरिटी विभाग पूरा संभालता है। आपको पता है हमारी प्याली भी आपके बेटे के दफ्तर में टेक्निकल विभाग में काम करती है। बहुत बढ़िया जी, तब तो। लेकिन शादी के बाद तो बिटिया को ससुराल का डिपार्टमेंट ही संभालना पड़ेगा ना, वरना राकेश का ग्रेजुएशन किस काम का है जी? आपने हमारी बिटिया को अपने बेटे के योग्य समझा, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शुक्ला जी, कमी तो आपकी बिटिया में भी कोई नहीं, पर हाँ थोड़ी सांवली जरूर है। लेकिन आप तो उसे ऊपर से नीचे तक सोने में लपेट कर भेजोगे ना? उसका रंग तो उसी में छिप जाएगा, है ना भाभी जी? जी। हम ठहरे सीधे साधे सज्जन लोग शुक्ला जी, पूरी जिंदगी बजाज चेतक में गुजार डाले, पर आजकल के बच्चों को तो बड़ी गाड़ी पसंद है। हमारा राकेश, इसको पसंद है इस यूबी। हम पूछे काहे बेटा, बोले पापा आजकल यही सब चलता है। क्या कहें, आप ही बताइए ना, कोई 5-5.5 लाख में एक चकाचक छोटी गाड़ी आ जाती है, पर नहीं, इसका मन तो बड़ी गाड़ी में अटका हुआ है। फिर बिटिया को भी तो ससुराल उसी गाड़ी में छोड़ने आएगा, शॉपिंग वॉपिंग जहाँ आना जाना होगा उसी में जाएंगे, है ना भाभी जी? जी। सुना है सिविल लाइंस के 2 कमरों वाला फ्लैट भी कम रेट में मिल रहा है। अब शनिवार और रविवार हम दोनों बुड्ढों के साथ थोड़ी ना बिताएंगे बच्चे। बिल्कुल सही। पांडे जी, जरा बच्चों को कुछ अकेले में बात करने दें। हाँ क्यों नहीं, शादी तो इन दोनों ने करनी है, हम तो सब सिर्फ फूल फेंकेंगे। राकेश बेटा, आप प्याली के कमरे में जाकर बात कर लीजिए। जी। राकेश बेटा, अंदर से कुंडी लगा लेना और आराम से बात कर लो, हमें कौन सी जल्दी है। जी पापा। बहुत प्यारी बिटिया है। क्या कर रहे हो राकेश? बाहर आवाज जाती है। ये पगली, शादी होने वाली है हमारी, अब नहीं करूं तो कब करूं? अभी बात पक्की नहीं हुई है, रुको। सब ठीक हो जाएगा, मेरे यहाँ तक पहुँच गए तो
सात घर में कौन सी लवेड होने वाली है? शुक्ला जी, बच्चे खुश तो हम भी खुश। अब उनकी खुशी के लिए 2-3 लाख नगद हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ? है जी? हम वैसे भी इस शादी में ज्यादा तामझाम नहीं चाहते हैं, बस कुछ 1000-1200 बराती होंगे, जिनका स्वागत असली चांदी के जरीदार बनारसी और खादी के गालाबंद से हो तो बात ही कुछ और होगी। ऐसा मौका दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। बापू ने भी कायदे से दोनों को कमरे में भेजा है, और ये भी कहा कि कुंडी बंद कर लेना। करें। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मुंह में ही घुल गया। अब कहा गए? शुक्रिया भाई साहब, मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ। शुक्ला जी, भोजन की तृप्ति मतलब साथ खून माफ। अब भाभी जी को तो दिन दोपहर रात हम घर में रख नहीं सकते, लेकिन भाभी जी जैसा कोई होवे जो ऐसा पकवान बना के खिला दे, गजब हो जाए। बस हर महीने उसकी तनख्वाह बैंक के खाते में डाल दीजिएगा। आजकल तो फोन ही बैंक हो गया है, बस आधार नंबर लिंक कर लीजिएगा। काहे कर रही हैं ऐसे, थोड़ा प्यारी तो मांगा है। अरे बाबा, बोधमगिरी काहे कर रहे हो, ये बिस्तर आवाज करती है। तो ये दिक्कत है, तो बिस्तर को मारो गोली, यहाँ जमीन पे बैठ के कर लेंगे। शुक्ला जी, आप तो बस इतना ही प्यार अपनी बिटिया पे बरसा दीजिए। नजर से ना हटने वाली शादी का डेकोरेशन, मंडप और खाना, और हाँ, बदनाम कुल्फी, चखते ही जबान और जेब दोनों की गर्मी गायब। बाकी आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हमारा कोई डिमांड नहीं है। आओ बच्चों। लो जी, हो गई दोनों की बात। राकेश बेटा, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। अरे तुम कहाँ चली? शादी तक आज के सामने मत जाना, सांवला रंग और झुलस जाएगा। बैठ जाओ। भाई वाह, ऐसी प्यारी सास कहाँ मिलेगी। शुक्ला जी, हमको तो आपकी बिटिया पसंद है। अगर आपको हमारा बेटा पसंद हो तो बिना ज्यादा बकलोली किए हुए बना बन दोनों की शादी का तारीख फिक्स कर देते हैं, छपाछप दोनों का ब्याह करवा देते हैं, हैं जी? क्या कहती हो? अब इसमें क्या कहना, करा डालते हैं। तो शादी पक्की शुक्ला जी? नसीब हमारा पांडे जी। एक मिनट पापा। अंकल, हाथ मिलाने से पहले थोड़ी सी गणित और बाकी है, तो सब कुछ जोड़ने के बाद ये आता है कि इस शादी से पांडे परिवार के पास रह जाता है एक SUV, सिविल लाइंस में एक 2 कमरे का फ्लैट, 24 घंटे का नौकर, नगद पैसा और बाकी की चीज़ें जो मुझे धुंधली से अंदर से सुनाई दी, और हाँ, इन सब के साथ मैं गहनों से भरी, और बदले में शुक्ला परिवार के पास रहता है 0 बैंक राशि, घर गिरवी रखने के कानूनी कागज, क्योंकि बेटी की खुशियों की कीमत अदा जो करना है, शायद पुरखों के जमीन भी बेचनी पड़े, और बेटी की विदाई। चलो, एक लौती बेटी होने के नाते मैं पापा से ये सब ले भी लूँ, ये सोच के कि मुझे हर रात राकेश के साथ मुझे बहुत सुख प्राप्ति होगी। फिर हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब अंकल जी, हम इतना क्यों दें? नहीं लड़की,
क्या बकवास कर रही है? विश्वास नहीं होता है अंकल जी, तो आपके बेटे से पूछ लीजिए। पापा जितना बता रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा। मेरी जिंदगी की न्यूनतम हक भी मुझसे छिन जाएगी, जैसे मेरा सांवलापन मेरी खोट है, वैसे ही अंकल जी आपके बेटे में भी ये खोट है। भले उसने ग्रेजुएशन किया है तो क्यों ना हम समान रूप से भाग करें, जैसे मेरे पापा अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना करेंगे तो आप भी अपने बेटे की खुशी के लिए इतना ही कर दीजिए, है जी? ये सब बात हम शादी के बाद भी कर सकते हैं ना? शादी के बाद तो तब होगा जब शादी के पहले तुम्हारे माता पिता तुम पे प्यार बरसाएंगे। पर अंकल आंटी को देख के मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, और हम बराबरी में ही विश्वास रखते हैं, और ना ही तुम ना ही तुम्हारे माता पिता हमें वो बराबरी दे पाओगे। ज्यादा खलीफा ना बनो और हल्के से निकल लो। धन्यवाद, आपसे मिलके खुशी हुई। थैंक यू, ये फर्स्ट टाइम हमेशा याद रहेगा। ये ठीक नहीं किया शुक्ला जी, ठीक नहीं किया आपने। चलो अर्चना। मुंह में राम बगल में छुरी, चलो खाया जाए हलवा पूरी। मारी बिटिया, भला हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ? जो देखना था वही सीन कट गया? एंटरटेनमेंट का सारा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप अपने फेवरेट शोज देख सकते हो, वो भी बिना कटे? यानी जो भी सीन आपको देखना है वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आप चाहते हो। तो बस सब्सक्राइब कीजिए उल्लू ऐप और देखते रहो। जस्ट क्लिक एंड प्ले।